पत्रकार से खबर प्रसारित करने की बात को लेकर एक युवक अपने साथी के साथ में पत्रकार के घर हमला करने की नियत से पहुंच गया, जो खबर महितपुर से है। यहां पर अदम्य न्यूज़पेपर के संवाददाता द्वारा जिला पंचायत सदस्य प्रताप सिंह और श्याम सिंह चौहान का फोटो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ प्रसारित किया गया और जिला पंचायत सदस्य प्रताप सिंह आर्य और श्याम सिंह चौहान की तारीफ की गई, जिसको लेकर महितपुर रोड के युवक पल्लव पोरवाल, जो कि भाजपा के मंडल में पदाधिकारी भी है, जिसके द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप पर वरिष्ठ पत्रकार बद्री वर्मा को गलत टिप्पणी की गई और साथ ही पल्लव पोरवाल ने वरिष्ठ पत्रकार को फोन पर गाली गलौज भी की और जान से मारने की धमकी भी दी। युवक पल्लव पोरवाल महितपुर रोड से अपने साथियों के साथ पत्रकार बद्री वर्मा के घर पहुंचा और हमला करने की नीयत से पहुंच गया, जिसकी सूचना पुलिस थाने पर थाना प्रभारी दिनेश भोजक बद्री वर्मा ने दी, जिसके बाद ही थाना प्रभारी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जवानों को बद्री वर्मा के घर पर भेजा और पुलिस जवानों ने पल्लव पोरवाल को पकड़कर थाने लेकर पहुंचे, जहां पर पल्लव पोरवाल पर एफआईआर दर्ज कर मामला जांच में लिया गया है। पूर्व में भी पत्रकार पर हमला करने की धमकी मिलती रही है और इनके एनकाउंटर की साजिश भी उच्च स्तरीय शिकायतों की जांच में है। साथ ही में 2 महीने से पुलिस इस मामले पर भी जांच कर रही है। शासन प्रशासन द्वारा अब तक दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं करने से राजनीतिक और प्रशासनिक स्ट्राइक के कारण गुंडों के हौसले बुलंद हैं। अब 20 किलोमीटर दूर से आकर महितपुर में पत्रकार पर हमला करने पहुंचना किसी प्रभावी सत्ताधारी का संरक्षण होना दर्शाता है। मेरे द्वारा कल मेरे साप्ताहिक अदम्य में एक समाचार प्रकाशित हुआ था, जिसकी पीडीएफ मैंने पत्रकार ग्रुप में डाली और वाइस ऑफ राइट्स ग्रुप में डाली थी। वाइस ऑफ राइट्स ग्रुप में डालने के बाद महितपुर रोड के पल्लव पोरवाल ने उसमें मेरे परिवार को और मेरे को लेकर के ने अनर्गल टिप्पणी की, जिससे मुझे भारी आघात पहुंचा। उसके बाद इसने, जब मैं घर से निकला तो चौक बाज़ार में आया और मैं वहाँ जो है जुलूस निकल रहा था जैन समाज का, और मैंने गाड़ी खड़ी करके ना खड़ा ही हुआ ना, इसका वापस फ़ोन आया और इसने मेरे साथ गाली गलौज की, माँ और बहन की गाली दी मुझे और कहा कि तू रोक, कल मैं जो है रिवॉल्वर लेके आ रहा हूँ, तुझे वहीं आके फोड़ दूँगा, मेरे तो कल जाना मत कहीं, अगर अपने असली बाप की औलाद है तो। मैं जो है आज मेरे को करीब 12 बजे करीब खबर लगी कि ये कुछ गुंडों को लेकर के ना घूम रहा है और इस तरह का, तो मैंने कहा ठीक है आया होगा, फिर पता चला कि बस स्टैंड पर है कभी कहाँ, इस तरह की बातें सुनी मैंने उसको जो है नज़रअंदाज कर दिया। जब ये 1:30 बजे के लगभग मेरे घर पे आकर के ने इन्होंने जो है गाली गलौज दी, मैं उस समय जो है टीए साहब को फ़ोन लगा रहा था कि सर वो रास्ते में आ रहे हैं और मुझे पता लगा कि मेरे घर वो जो आकर के और जो है वो तोड़ फोड़ और मेरे साथ गुंडागिर्दी करने वाले हैं। तो उसके बाद जब मैं बात करके टीए साहब ने कहा कि आप जो है आप वहीं रहो और बाहर जो है बाहर रोड पर मत आना, मैं जो यहाँ से पुलिस स्टाफ भिजवा रहा हूँ, मैं अभी बाहर हूँ। थोड़ी देर बाद मैं जब ये पुलिस स्टाफ कहा तो मैं नीचे आए, गाली गलौज कर रहे थे और कि कहाँ है बद्री, उसको निकालो बाहर, साले को जो है रिवॉल्वर से फोड़ दूंगा मैं, उसने जो है मेरे परिवार के बारे में जो है, जबकि उसके परिवार के बारे में मैंने कोई टिप्पणी नहीं की। मैंने जो है समाचार लगाया था प्रताप सिंह आर और श्याम सिंह आर, जो 2 जिला जनपद प्रतिनिधि जिनको जिला पंचायत में 3-3 समितियों में प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, और मुख्यमंत्री जी के साथ इनके फोटो वोटो मैंने वायरल किए थे अपने समाचार पत्र में, बस वो झंझलाहट में इसने जो है मेरे साथ, चूँकि ये विधायक जी के काफ़ी नज़दीक है और इसलिए इसने किसके शेयर पर इस तरह का कि मेरे को धमकी और इस तरह के जो है घर पे से गुंडागिर्दी करने आया, क्योंकि किसी न किसी का हाथ जरूर इसके ऊपर, तभी जा कर के ने इस इंसान ने मेरे घर आकर के इस तरह गुंडागिर्दी। मेरे 40 साल के परिचय का पहली बार ऐसा हुआ कि कोई मेरे घर आकर के इस तरह धमकी और गाली गलौच और इसने जो है मेरे साथ जो है मारपीट की, और ऐसे ही पुलिस आई है वहाँ से भाग ली, पुलिस ने फिर इनको रोका पकड़ा और यहाँ थाने पर ले आया। पुलिस द्वारा आपका द्वारा प्रकरण दर्ज किया गया? पुलिस द्वारा इसमें जो है FIR दर्ज की गई है और इनको जो है थाने पर ला कर के अभी बिठा रखा है, अब देखते हैं इसमें आगे क्या कार्रवाई होती है। कुछ हथियार वगैरह थे हाथ में या खड़े नहीं हथे थे? नहीं, इसने कहा कि उसको बाहर निकालो, मैं रिवॉल्वर से फोड़ दूंगा, और मैं इतने में मेरे सामने आया, तो इतने में पुलिस आ गई, इनने आया और इसने मेरे को मेरे साथ जो है एक घुसा मारा, इसने 1-2 घुसे मारे कंधे पे मेरे, और ये रिवॉल्वर था तो निकाल नहीं पाया, क्या है ये, इसके और साथी इधर उधर खड़े होंगे उनके पास थे ये मुझे जानकारी, पर इसने कहा था बाहर निकालो उसको फोड़ दूंगा, और कल से ये की बात कर रहा है कि मैं जो है रिवॉल्वर से फोड़ दूंगा घर आ कर के,
तू किस मुगालतन में, और वह उसने आकर के और ये घटना कर ही दी आई।